This conference will now be recorded. So today we discuss few codes related to binary files, and not just a general practice codes, right? And okay, write sequence, write write list sequence in binary file ठीक है, यानी एक मुझे लिस्ट है जो बाइनरी फाइल के अंदर मुझे राइट करनी है और फिर मैं उस लिस्ट को बाइनरी फाइल से रीड करूंगा। ठीक है, चलिए तो एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ डेफ जस्ट एफ एफ फंक्शन जस्ट बेसिक। ओके ओके, और यहां पर हमें इंपोर्ट करना है तो क्या करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम पिकल पिकल इंपोर्ट इंपोर्ट डंप कॉमा लोड। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट, आई एम टेकिंग ए लिस्ट, आई एम टेकिंग एल फॉर द वेरिएबल लिस्ट, सॉरी या डन, आई एम टेकिंग सम लिस्ट 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50। ठीक है, चलिए तो लिस्ट हमने एक ले ली, अब इसको राइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओपन फंक्शन, इनसाइड द ओपन फंक्शन आई नीड टू क्रिएट ए फाइल एंड मैं कर लेता हूँ बी फाइल वन। ठीक है, डॉट डी ए टी कॉमा वी नीड टू राइट द व्हाट मोड मोड, तो राइटिंग कर रहा हूं मैं तो डब्ल्यू बी। ओके, स्टोर इन सम वेरिएबल एफ। ठीक है, तो फाइल हमने ले लिया, अब उसके बाद अगर हमें फाइल के अंदर राइटिंग करनी है कुछ, आपको पता है कि उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, अगर मुझे फाइल के अंदर राइटिंग करनी है तो हमें क्या करना है, तो करना हमें ये है कि भाई राइटिंग करने के लिए यूज होता है डंप मेथड। डंप का मतलब क्या होता है, आपने सुना डंप जोन ऐसे, या डंपिंग एरिया, जैसे घर का, जैसे पूरे शहर का एक जो भी गार्बेज होता है वो एक जगह पर डंप कर दिया जाता है, डालते रहते हैं भरते रहते हैं, तो डंपिंग मतलब भरना है ना, तो डंप मतलब मुझे राइटिंग करना है। एंड डंप मैंने क्या किया, तो मैंने वेरिएबल का नाम किया एल और वहां पर पास कर दिया मैंने एफ। तो आपको पता है कि ये हम डंप फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अगर हमने फ्रॉम इंपोर्ट कंसेप्ट यूज किया है, तो बाकी कुछ नहीं, एंड जस्ट क्लोज द फाइल एफ डॉट क्लोज सिंपल। ओके, एंड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसको राइट राइट फंक्शन। ठीक है, तो मेरा ये काम हो चुका है एंड मैं यहाँ पर एक मैसेज भी डाल देता हूँ, प्रिंट जस्ट ए मैसेज, प्रिंट नहीं आफ्टर क्लोजिंग द फाइल डाल देता हूँ, पहले डाल दो कभी भी डाल दो, प्रिंट लिस्ट लिस्ट इज रिटन लिस्ट हैज बीन रिटन डब्ल्यू आर आई डब्ल्यू टी रिटन। ठीक है, लिस्ट हमारी लिखी जा चुकी है, दिस is a message। ठीक है, तो हमने ये बना दिया def और हमने यहाँ पर write कर दिया, तो अगर मैं इसी code को इतना ही run कराऊँ तो आपको सिर्फ एक message मिलने वाला है बच्चों, और फिर हम इसको open करके देखेंगे। तो the command is python python space learn learn dot py। okay okay sorry I forget to call the function. No one is memorizing, हाँ? कोई याद नहीं रख रहा है कि सर फंक्शन कॉल नहीं किया है, बच्चों सो रहे हो क्या, सब लोग जग जाओ, सुबह हो रही है। ठीक है, तो लिस्ट हैज बीन रिटन। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये फाइल हमारी बनी है कि नहीं, जस्ट
ट्वेल्थ एंड हमने बनाई थी फाइल किस नाम से, बी फाइल, वेयर माय फाइल, या बी फाइल वन. सो यू कैन सी सम कंटेंट हैज बीन रिटन, बट अंडरस्टैंड हमें कुछ होगा नहीं क्योंकि बाइनरी फाइल है ये. ठीक है, तो अब हम बनाते हैं एक दूसरा फंक्शन जो हमारी फाइल को रीड करेगा. तो क्या करेंगे, डेफ रीड रीड, एंड मैंने यहाँ पे क्या यूज करना है, फाइल को ओपन करना है. ठीक है, फाइल को हमने ओपन करना है एंड अब करना है आरबी मोड पर, और यूज कर लेना है लोड फंक्शन. और लोड के अंदर सिर्फ हम क्या पास करेंगे, पास करेंगे हम केवल एक वेरिएबल फाइल पॉइंटर, एंड इसको स्टोर कर लेते हैं किसी एल नाम के वेरिएबल में. ठीक है, जस्ट क्लोज द फाइल. ओह, आई रिसीव सम मैसेजेस. तनुज, वाई रीड, तो फंक्शन का नाम है ना यूजर डिफाइन, वैसे मैं ले लेता हूँ रीड फाइल, रीडिंग फाइल, राइट फाइल, राइट फाइल. वैसे तो ये फंक्शन का नाम है, जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग आर ई ए डी ही हो, फाइल का नाम फंक्शन का नाम तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, है ना. तनुज, यू हैव सम डाउट इन इट कि why I write read, why not write read? Okay, I'm not guessing answer. Yeah, I received. Okay, ठीक है. चलिए, मैंने read file, write file मैंने ऐसे कर दिया. तो कि read हमारे पास already एक predefined function है, that's why I'm not taking. Okay, चलिए, तो ये हमारा हो गया काम, और यहाँ पर कर देते हैं file को close. ठीक है. तो बच्चों, ये पूरा एक रिकॉर्ड हमारा राइट हुआ है. तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ राइट फाइल, फंक्शन का नाम, और रीड फाइल. ठीक है, रीड फाइल, एंड आई एम कॉलिंग इनसाइड द मेन डेफ मेन, या एंड राइट फाइल, रीड फाइल, एंड फाइनली कॉल मेन. ठीक है, तो रन करते हैं एक बार. तो लिस्ट हैज बीन रिटन. ओह, वन मिस्टेक, आई हैव नॉट प्रिंट रीडिंग कंटेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल. ठीक है, एंड फाइनली प्रिंट, सॉरी, एल एल. ठीक है, या इट्स डन, नाउ इट इज डन. आई रिसीव एन मैसेज ऑल्सो, लेट मी चेक. नो, मेन इज नॉट ए कीवर्ड तनुष. मेन इज एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे जो अदर लैंग्वेजेस हैं, सी है, जावा है, सी प्लस प्लस है, उन सारी लैंग्वेजेस ने एक मेन फंक्शन दिया. ठीक है ना, बाइनरी में ऐसा कोई यूजर के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इंटरनली ऐसा होता है, है ना. तो हम क्या करते हैं, जैसे हम फंक्शन बनाए, हमने बहुत सारे फंक्शंस बनाए, और फाइनली उन सारे फंक्शंस को इंडिविजुअल कॉल ना करा के हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया मेन. मेन जो था ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल होता था अदर लैंग्वेजेस में, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज पहले हुआ करती थी, और पाइथन ने उसको सबको कंसेप्ट को खत्म कर दिया. उसमें ये होता था कि मेन फंक्शन से प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट किया जाता था. कहाँ से, मेन फंक्शन से. तो मैं उसी कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ. ये प्रोजेक्ट को, कोड को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, कि स्टैंडर्ड हो जाता है कि हमने एक मेन फंक्शन बना लिया. ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शन है मेन भी, मेन कोई पहले से कीवर्ड नहीं है, मेन भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जो भी हमने फंक्शंस बनाए उनको कॉल कर दिया. तो और फाइनली फिर मेन को कॉल कर दिया, है ना. तो हम सबसे पहले मेन को देखेंगे कि भाई प्रोग्राम चलना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मेन मेन फंक्शन कॉल हो रहा है,
तो मेन के अंदर जाएंगे और यहां से हम एक एक फंक्शन की वर्किंग देख लेंगे। भाई पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो मतलब ठीक है, ये वाला फंक्शन हो गया। फिर ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो ठीक है भाई, ये वाला फंक्शन हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया है ना। बाकी कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो कि भाई मैं ये हटा दूं, नो प्रॉब्लम, और आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने एक स्टैंडर्ड बताया था आप लोगों को कि अगर हम ऐसे करते हैं तो एक वर्किंग थोड़ा सा, जब हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी चीजों को समझने के लिए। तो हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, मेन मेन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अदर लैंग्वेजेस सजेस्ट दैट फंक्शन कि भाई यहाँ से प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट किया जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना लिया समझने के लिए, और फाइनली बहुत सारे फंक्शंस को कॉल ना करके बस फाइनली जो एग्जीक्यूशन वाला है वो एक ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम मेन, ठीक है, दैट इज द रीजन ओनली, गॉट इट। चलिए तो यहां पर मैं रन कर लेता हूं, और देखिए मैं यहां पर करने वाला हूं लर्न डॉट पी वाई, एंड आप देखिए कि लिस्ट हैज बीन रिटन, ये पहले आया, और जो हमने कंटेंट लिखा था 10 20 30 40 50 ये हमने फाइल से रीड किया है। आप समझ रहे हो, बोथ फंक्शंस आर डिफरेंट, हमने कहां से रीड किया है, फाइल से। तो ये जो डेटा हमने फाइल के अंदर लिखा था, बट अगर आप फाइनली अगर आप डायरेक्टली इस फाइल को ओपन करोगे बच्चों तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इवन टेक्स्ट तो समझ में आ रहा था, इंटीजर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या लिखा है। तो इस तरीके से एक एनक्रिप्टेड फाइल भी हो जाती है कि भाई फाइल को आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, ओनली बाय द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन यू कैन रीड द फाइल, ठीक है। चलिए ओके, द नेक्स्ट वन इज तो मैंने ये कर दिया, एक डिक्शनरी को राइट कर लेते हैं, बस छोटा सा चेंजेस करना है मुझे। मैं यहां पर ले लेता हूं डी ले लेता हूं केवल फंक्शन का नाम, और डिक्शनरी को राइट कर लेते हैं, सेम फंडा है बस डिक्शनरी मैं यहां पे लिखूंगा। तो यहां पर मैं ले लेता हूं नेम, लेट मी नेम अरुण, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं यहां पर, वैल्यू का मतलब यहां पर इस परसेंटेज मान लेते हैं, तो मैं लिख दिया यहां पर 90 कॉमा। दूसरे हम वैल्यू लेते हैं रोहन, ठीक है, एंड यहां पर दे देते हैं वैल्यू 89 कॉमा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं पवन, पवन, और ये भी क्योंकि मेरा वैल्यू है टेक्स्ट, और यहां पर ले लेते हैं हम 99। नेक्स्ट वन इज आई एम टेकिंग शोभित एस सुमित, सुमित ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम वैल्यू ले लेते हैं 76, ठीक है। फिर हमने एक डिक्शनरी राइट की है और वेरिएबल के नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डी, एंड लिस्ट की जगह लिखते हैं डिक्शनरी, DIDICTIONARY डिक्शनरी। तो राइट लिस्ट नहीं, राइट डिक्शनरी इन द बाइनरी फाइल, वैप टू राइट डिक्शनरी DICTIONARY डिक्शनरी इन ए बाइनरी फाइल, राइट। तो यहां तक हमारा हो गया, एंड क्योंकि हम बाइनरी फाइल से वेरिएबल का नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं डिक्शनरी ले रहा हूं तो मैं ऐसा लिख देता हूं, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता एल से भी, रीडिंग कंटेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल, ठीक है, या फिर रीडिंग डिक्शनरी DICTIONARY डिक्शनरी कंटेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल, एंड ऑल इज डन। लेट मी रन दिस कोड, द फाइल नेम इज सेम और आई कैन चेंज द फाइल नेम ऑल्सो, सो आई एम टेकिंग अनदर फाइल और द सेम फाइल आई कैन डू, क्योंकि जो पुराना कंटेंट होगा उसको ओवरराइट कर देगा, क्योंकि डब्ल्यू मोड में यही होता है, हम अपेंड मोड अभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप चलिए यही फाइल रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली कि डिक्शनरी हैज बीन रिटन, है ना, एंड रीडिंग डिक्शनरी कंटेंट फ्रॉम माय फाइल, तो जो कंटेंट हमने डाला था उस कंटेंट को हमारा हो गया है रीड, ठीक है। सो दिस इज सम
बेसिक कोड्स जो मैंने आपको बताया कि कैसे फाइल के अंदर रीड करना है। कल हमने एक बेसिक कंटेंट लिखा था, बहुत सिंपल स्ट्रिंग डाली थी, आज हमने लिस्ट डाली, आज डिक्शनरी डाली, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक कोड्स। ओके, वन मैसेज आई हैव, सर इफ यू कॉल द मेन फंक्शन टू, मेन फंक्शन टू और मोर टाइम देन द बोथ फंक्शन दैट आर कॉल्ड इन इट आर कॉल्ड विद इन इट। या डेफिनेटली अरुण, अगर आप मेन फंक्शन को दो बार कॉल करते हो, चार बार कॉल करते हो, तो जो भी मेन फंक्शन के अंदर फंक्शंस को आपने कॉल किया है ना, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस। ओके, या अगर मेन फंक्शन को मैं एक बार और लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, मेन, ओके, मेन यहां पर हमने लिख दिया एक बार और क्या होगा कि इस मेन फंक्शन के अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस कॉल है ना, तो जब आप मेन फंक्शन को दो बार कॉल करोगे तो इस मेन फंक्शन की कॉलिंग भी दो बार होगी। पहली बार कॉल किया, ये दोनों फंक्शन कॉल हो गए, फिर आपने दूसरी बार कॉल किया तो फिर से मेन फंक्शन कॉल होगा, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखे हैं वो फिर से कॉल होंगे, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन चेनिंग, है ना, फंक्शन चेनिंग, कि हमने एक फंक्शन को, एक फंक्शन के साथ बहुत सारे फंक्शंस को कनेक्ट कर दिया। चेन का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कुंडा होता है, उसके साथ दूसरा ऐड होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, ऐसा करके, और पूरी एक चेन बन जाती है। तो पहले से दूसरा कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है, तीसरे से चौथा कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मेन फंक्शन के अंदर इन दोनों फंक्शन को कॉल करा दिया, जस्ट टू सिंप्लीफाई द वर्किंग, जस्ट टू ओनली सिंप्लीफाई द वर्किंग, कि वर्किंग को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये कर दिया। बाकी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये मेन फंक्शन बनाना ही बनाना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सर मेन फंक्शंस जनरेटिंग सम कंफ्यूजन, तो आप क्या करो, ये फंक्शन की डेफिनेशन दो और डायरेक्टली फंक्शंस को कॉल करा लो, ये एक स्टैंडर्ड है। और अगर आप मेन फंक्शन बना लेते हो ऐसे यूजर डिफाइंड, देखिए def main का मतलब क्या हुआ, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि हमने बनाया है, पहले से ऐसा फंक्शन कोई नहीं बना हुआ है, तो आप एक मेन फंक्शन बनाओ और उसके अंदर इन फंक्शंस को कॉल करा दो, और फाइनली लास्ट में एकदम एग्जीक्यूशन जो करनी है वो केवल एक फंक्शन कॉल होगा। हमें 10 चीजें नहीं देखनी, बस हमें फाइनली पता है कि भाई जब हम रन कराएंगे प्रोग्राम को तो केवल एक फंक्शन कॉल करेंगे मेन, ठीक है, कि उसी से हमारा पूरा कोड, क्योंकि मेन के अंदर हमने सारी कॉलिंग कर रखी है, ठीक। आप यहां पर कोई स्टेटमेंट भी डाल सकते हो फंक्शन कॉलिंग से पहले, कुछ भी कर सकते हो। तो मेन एक तरीके से हमने क्या कर दिया, बॉक्सिंग कर दिया चीजों को ना, कि पहले एक एक हमने बॉक्स बनाया राइट फाइल, फिर हमने बनाया दूसरा रीड फाइल, और फिर उन दोनों को फाइनली मेन के अंदर कॉल करा दिया और मेन को फाइनल कॉल करा दिया। तो जस्ट एक क्या हो गया ना, एक स्टैंडर्ड बन गया कि भाई अलग अलग मॉड्यूल्स थे, अलग अलग फंक्शंस थे, राइट फाइल, रीड फाइल, सर्च फाइल, डिलीट फाइल, ऐसे करके डिलीट कंटेंट फ्रॉम द फाइल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस थे, और उन सारे फंक्शंस को हमने कंबाइन करके ग्रुप करा और एक एक फंक्शन में डाल दिया मेन में, और फाइनली मेन को कॉल करा लिया। दिस इज ओनली द रीजन, ठीक है, बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है। दिस इज नॉट ए कंपल्शन, ये कंपल्शन नहीं है, ये वाला पार्ट कंपल्शन नहीं है कि आप पहले मेन बनाओ फिर उसके अंदर कॉल करो, नो, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल हो जाएगा। और जितनी बार आप मेन को कॉल करोगे उतनी बार इन सारे फंक्शंस की, जो भी मेन के अंदर कॉल होंगे वो सारे फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होंगे जितनी बार मेन कॉल करोगे, ये तो हमें पता ही है। दिस इज द फैसिलिटी ऑफ द फंक्शंस reusability, तो reusability when you call that function reuse होगा, कोड जो पहले से लिखा हुआ वो reuse होगा, फिर से आपने फंक्शन को कॉल किया, दोबारा से कॉल करोगे, फिर से जो कोड हमारा लिखा हुआ है वो reuse होगा। तो reusability तो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता ही करता है, ठीक है, ये तो इसका एक फीचर है ही। ओके, होप सो देर इज नो कंफ्यूजन इन इट, इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। Yes, everyone. अभी भी कोई डाउट है अगर किसी चीज को लेके तो आप पूछ सकते हो। और देखिए मैं इसको ना हटा देता हूँ, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है इसमें, मैं ऐसे हटा देता हूँ। भाई जब सबसे पहले मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, राइट, फिर कौन सा करना है, रीड, तो बस इतना भी मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरा वही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अरुण की जगह मैं ले लेता हूँ अमन, रोहन की जगह रोहित, पवन की जगह रजत, सुमित की जगह मोहित, ठीक है।
बस इतना मुझे करना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक बार ऐसे रन कर लेते हैं, नो इशू एट ऑल। सी एल एस, देखो आई एम रनिंग दिस कोड, तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। डिक्शनरी हैज बिन रिटन, डिक्शनरी लिख गई क्लास के अंदर, डिक्शनरी डेटा राइट हो गया बाइनरी फाइल में, फिर हमने रीड कर लिया, तो अमन, रोहित, रजत एंड मोहित, हमारा डेटा एक्सेस हो गया। वो सिर्फ एक एक जैसे होता है ना, एक स्टैंडर्ड हमने बना दिया कि भाई मेन के अंदर हम इसे, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वैसा आप करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर, एंड किसी का आंसर नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो एक बेसिक चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ नाउ द वन थिंग इज हियर, आज आपको एक नया टॉपिक है, और ये टॉपिक बच्चों जब हम प्रोजेक्ट वर्क करेंगे बाइनरी फाइल्स के साथ, वहां पर यूज होगा। बेसिकली क्या होता है कि लोड जो फंक्शन है ना, लोड फंक्शन, वो एक रिकॉर्ड को एक बार में पूरा रीड कर लेता है, एक रिकॉर्ड को पूरा एक बार में रीड कर लेता है। एंड ये जो लोड फंक्शन है, ये ना एक्सेप्शन जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? एक्सेप्शन जनरेट करता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हियर, मे बी लिटिल कंफ्यूजन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जर्नली जो हम प्रोग्राम लिखते हैं या जो हम करते हैं प्रोग्रामिंग, उसमें ना एरर्स, एक तो होता है कंसेप्ट एरर आती है ना, एरर आती है, लेकिन एरर को भी ना यहाँ पे स्टैंडर्डली डिवाइड किया गया, अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे एरर्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, और वो क्या है, जैसे एक एरर है, उसको मेनली तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज एरर है ना, जैसे आपने देखा होगा, आप वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हो और उसको यूज करने लग जाओ, लेट मी यूज प्रिंट प्रिंट ए। अब ए नाम का कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, एक एरर जनरेट करेगा, कहेगा नेम एरर, है ना, नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, समझ में आया, एक एरर जनरेट हुई। दूसरा, लेट मी रन वन, वन वन इज माई स्ट्रिंग डेटा प्लस 10, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं किया जा सकता, दिस इज वन ऑफ द एरर, एंड एरर जनरेट होगी टाइप एरर, यू कैन सी टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, या तो केवल दोनों स्ट्रिंग हो, जैसे 10 भी मेरा स्ट्रिंग है, हैप्पीली पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आउटपुट आएगा 110, आउटपुट आएगा 110, राइट, एंड या फिर दोनों इंटीजर हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपको पता है, तो आउटपुट आएगा 11। लेट मी सी एल एस, जस्ट वेट, सी एल एस, या तो आउटपुट आएगा हमारा, अरे ओह सॉरी, अरे यार सॉरी, हाँ 11। ठीक है, लेकिन एरर, दो एरर आपने देखी, टाइप एरर, नेम एरर, है ना, तो ये जो एरर्स है ना, ऐसे एरर के बहुत सारे टाइप पाइथन के अंदर डिक्लेयर्ड हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और इस टॉपिक को कहते हैं हम एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या कहते हैं इस टॉपिक को? एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये हमें पढ़ना है, क्योंकि बाइनरी फाइल्स के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो आज मैंने इसलिए आपको एक बेसिक फाइल्स बताए, थोड़े एक दो प्रोग्राम कराए, और उसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कर्ड ऑपरेशन। कर्ड ऑपरेशन मतलब क्रिएट, क्रिएट का मतलब राइट, आर का मतलब रीड, यू का मतलब अपडेट, और डी का मतलब डिलीट, ये कर्ड ऑपरेशन हम कहते हैं इसको, सी कर्ड, सी आर यू डी, कर्ड, सी आर यू डी, कि क्रिएट, क्रिएट का मतलब राइट, आर का मतलब रीड, यू का मतलब अपडेट, एंड डी का मतलब डिलीट। ठीक है, तो बेसिकली ये चार पांच, एक और आ जाता है इसमें एस, एस फॉर सर्च, लेकिन वो कर्ड के साथ वो नहीं है। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं, तो सर्च का मतलब बेसिकली रीड करना ही होता है, तो वो रीड के अंदर आ जाता है। तो ये मेनली किसी भी फाइल पर ये मेन ऑप्शन होते हैं कि भाई आप फाइल के अंदर डेटा राइट करोगे, फाइल से डेटा को रीड करोगे, हद से हद कोई डेटा को अपडेट करोगे, आपने लिख दिया भाई किसी का नाम है अरुण और उसकी परसेंटेज है 90, लेकिन आपने वो गलती से लिख दी, उसकी परसेंटेज थी 85, तो आपने क्या किया,
कि 90 को अपडेट करना है, अब 90 की जगह आपको 85 करना है, तो वो क्या अपडेट। अब मान लो कि भाई कोई गलती से मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ऐसा कोई बंदा था ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा, है ना, या वो हमारे अभी सेशन से बाहर है तो उस मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये चार पांच ऑपरेशन होते हैं जो फाइल पे हमें करने होते हैं। उन ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन हियर। द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल, एब डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, NORMAL, MAL, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल, बस सिंपल छोड़ो, एबनॉर्मल यानी कि एक्सेप्शन मतलब एबनॉर्मल। जैसे आप लोग बोल देते हो, आप बस में जैसे बात करते हो, यार ये एक्सेप्शन केस है, ये बंदा एक्सेप्शन है, ये बंदी एक्सेप्शन है, कि मतलब पढ़े जा रही है, एबनॉर्मल है, इतना पढ़ना बेकार है ना, या इतना कम पढ़ना भी बेकार है, दोनों चीजें हम कह सकते हैं। तो एक्सेप्शन मतलब एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल का यहाँ प्रोग्रामिंग के में क्या मतलब है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पर मेनली दो चीजें हैं। टॉपिक तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, लेकिन ये कैसे आया इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो एक तो होती है बच्चों एरर, एक कैटेगरी है यहां पर एरर की, एरर एरर, और दूसरी कैटेगरी है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ठीक है। अब एरर को अगर डिफाइन करूं तो मैं कुछ कर सकता हूं, एक तो हो सकती है सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, और दूसरी हो सकती है लॉजिकल एरर, लॉजिकल, ठीक है। एक्सेप्शन जो है ये कैटेगरी है रन टाइम एरर की, कौन सी है बच्चों, रन टाइम एरर, ठीक है, रन टाइम एरर, ओके बच्चों। हो सकता है आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए मुझे, तो बस ये इंट्रोडक्शन एटलीस्ट खत्म करेंगे आज। आई थिंक इसके बाद तो आप लोगों की कोई क्लास है ही नहीं, है ना, तो इसको इंट्रोडक्शन जरूर खत्म करेंगे आज। एरर सिंटैक्स एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है, एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम एरर में, इस पार्ट को डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं ये दोनों पार्ट क्या है, एरर। देखो सिंटैक्स एरर क्या होती है, सिंटैक्स एरर होती है आपके बैड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग सिंटैक्स की वजह से। जैसे भाई आपने एक वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करनी है, तो आपने लेना था ए और आपने इक्वल साइन की जगह यहाँ पे ले लिया 10। अब ये क्या है, ये सिंटेक्स एरर है ना, आपको यही नहीं पता कि भाई कॉलन साइन लेना है या असाइनमेंट ऑपरेटर लेना है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द। या आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं, उससे पहले उसको यूज करने लग गए, क्या होगी, सिंटेक्स एरर। यानी कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं ना, जब प्रोग्राम हमने रन करा उस समय की एरर जनरेट हो गई आपके स्क्रीन पर, देखिए प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली रन नहीं हुआ। यानी कोई भी सिंटेक्स एरर अगर आपकी है, कोई भी सिंटेक्स एरर आपकी है, ठीक है, तो वो हमारी एरर के अंदर ही आती है, क्योंकि वो आपकी वजह से हुई है, प्रोग्रामर की वजह से, है ना, प्रोग्रामर की वजह से हुई है, वो होगी हमारी सिंटेक्स एरर। लॉजिकल एरर क्या हो सकती है, कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिकल एरर क्या हो सकती है, कि आपने जो लॉजिक लगाया है वो गलत है, आउटपुट भी आ रहा है लेकिन आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है लॉजिक में। लेट सपोज यू एड 10 इनटू 2, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, 20 डेफिनेटली, है ना, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 20, लेकिन आउटपुट इज कमिंग 30, सब कुछ ठीक है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, सब कुछ सही किया है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, 30, है ना, या आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो, कुछ भी जो एक्सपेक्टेड है वो 20 है, लेकिन आउटपुट आपका क्या रहा है, जीरो। तो ये क्या हुई, लॉजिकल एरर, कि भाई सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, कुछ ना कुछ लॉजिक गलत लगाया है ना, कुछ ना कुछ लॉजिक गलत लगाया है, तो ये हो गई लॉजिकल एरर। या फिर आपने लूप लगाया, लूप को आपने इनफाइनाइट चला दिया, रन तो करेगा प्रोग्राम, है ना, लेकिन लूप चलेगा कैसे, इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि आपकी आपकी गलती की वजह से वहां पर कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो गई और आपने वो कर दिया काम, ये हो गई हमारी लॉजिकल एरर। अब इन दोनों एरर्स को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि आपका लॉजिक परफेक्ट हो,
या आपका सिंटेक्स में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये तो हो गई हमारे प्रोग्रामर की वजह से ये दोनों एरर्स, तो ये तो एरर्स हैं, इट कैन नॉट बी हैंडल, इट कैन नॉट बी हैंडल। अब एक बार प्रोग्राम रन हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो एरर आनी आनी है ना। लॉजिकल एरर में भी प्रोग्राम रन हो गया और अगर आपने कोई मिस्टेक किए तो वो तो एरर आनी ही आनी है, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी हैंडल, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के बेस पर ही हैंडल हो सकती है। आपको भाई सिंटेक्स एकदम प्रॉपर पता है, सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, लॉजिक आपने परफेक्ट लिखा है, सो दैट इज ओके। एरर एक और कैटेगरी आती है, जो ब्रॉडली मैंने दो कैटेगरी बताई थी जिसमें से एरर के अंदर एक सिंटेक्स एरर और एक लॉजिकल एरर। ऐसे एक ब्रॉडली सेकंड कैटेगरी है हमारी एक्सेप्शन। सेकंड ब्रॉड कैटेगरी है व्हाट? एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन कह सकते हैं या फिर रन टाइम एरर कह सकते हैं, रन टाइम एरर। बच्चों ये जो एक्सेप्शन है ये प्रोग्रामर की वजह से नहीं होती, ये होती है एंड यूजर की वजह से। इसकी वजह से होती है एंड यूजर की वजह से। एंड हु इज द एंड यूजर? एनीवन कैन प्लीज मुझे बता सकता है कि ये एंड यूजर कौन है? हु इज द एंड यूजर? ठीक है, हु इज द एंड यूजर? एंड यूजर कौन है? एनीवन? या ओके, दैट्स गुड राघव। एनी अदर आंसर? ये आंसर मैं बाद में बताऊंगा। ओके ओके, दैट्स गुड तनुज। एनी अदर वन? चलो तनुज का आंसर तो सबने देख ही लिया होगा, तनुज ने पब्लिकली किया है। तो राघव ने और तनुज के एब्सोल्यूटली आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि भाई वो व्यक्ति जो हमारी बनाई हुई एप्लीकेशन को यूज करेगा वो क्या है? एंड यूजर है। जैसे बच्चों व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप एक फेसबुक के पास है ना, उस एप्लीकेशन को हम लोग यूज करते हैं। क्या हमने व्हाट्सएप बनाया? नहीं बनाया, तो हम व्हाट्सएप के लिए क्या हो गए? एंड यूजर हो गए। वी आर नॉट द प्रोग्रामर, वी आर द एंड यूजर। ठीक है, ऐसे ही जो एक्सेप्शन आती है वो आती है एंड यूजर की गलती की वजह से या एंड यूजर की होशियारी की वजह से, है ना, कह सकते हैं कि एंड यूजर जब ज्यादा होशियार बनता है तो कुछ ने कुछ से कुछ करने लग जाता है और एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। तो आपको इस एंड यूजर की गलती को भी आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि एंड यूजर हमारा बेवकूफ हो सकता है या एंड यूजर जो हमारा है वो उतना स्किल्ड नहीं हो सकता, स्किल ना हो, तो हमें उन सारी कंडीशंस को भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे एक मैं छोटी सी एप्लीकेशन बना रहा हूं, बहुत स्मॉल एप्लीकेशन। व्हाट एप्लीकेशन इज? इंट, इंट, और यहां पर डाल देता हूं मैं इनपुट, इनपुट, इनपुट। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो ठीक है, डन हो गया। आई स्टोर्ड इनटू द ए एंड सेकंड वन इज, ये क्या हो गया? ठीक है, सेकंड वन इज बी, सॉरी बी, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, डन। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट? आई वांट टू प्रिंट, प्रिंट, पी आर आई एन टी, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने एक एप्लीकेशन बना दी और दे दी हमारे क्लाइंट को, क्लाइंट मतलब एंड यूजर को। ठीक है, क्लाइंट यूज कर रहा है एप्लीकेशन। लेट मी रन दिस कोड। अरे यार, पहले लाइन में एक्सेप्शन, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी। या डन, एक्सेप्शन देखो दिख गई आपको। चलो नाउ, ठीक है, एंटर नंबर 10, 20, 30 आ गया, परफेक्टली ओके। अब फिर से यूजर ने रन किया 1 and 2, परफेक्टली ओके। ओके, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यूजर ने कुछ इनपुट किया लाइक दिस 10, क्या हुआ? वैल्यू एरर आ गई। भाई आपने तो स्ट्रिंग में इनपुट कर दिया, यूजर थोड़ा अपना दिमाग चला रहा है, ऐसे करके देखूं तो क्या होगा, ऐसे करूं तो क्या होगा। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यूजर कुछ ऐसा कर दे, है ना, हो सकता है ना। आ गई एरर, आपके लॉजिक में कोई मिस्टेक थी? बताओ, इस सिचुएशन में आपके लॉजिक में कोई मिस्टेक है? भाई लॉजिक तो परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन यूजर ने क्या किया, एंड यूजर ने क्या किया, थोड़ा सा इनपुट को चेंज कर दिया।
गलती से हो गया या जानबूझ के कर दिया, ऐसा होता है ना। जैसे आप जब बच्चे थे, छोटे थे, तो कुछ ऐसी जगह गए जहां पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो आपने नहीं देखी हैं, या किसी के घर पे गए, अपने घर पे तो ऐसा नहीं करते थे, किसी घर पे गए और उसके कहीं पर बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो सारे स्विच ऑन ऑफ करना अगर आपको मौका मिल जाए, तो इसको दबा के देखते हैं क्या होगा, इसको दबा के देखते हैं क्या होगा। सो दैट इज द, ये यूजर की टेंडेंसी है कि जो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी करना, ये यूजर की टेंडेंसी है। तो अब क्या हुआ, आपका लॉजिक तो गलत नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई यूजर के इनपुट की वजह से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर मैं डिवाइड करना है मेरे को, ठीक है, ए डिवाइड बाई बी करना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट आई एम डूइंग सी एल एस फर्स्ट एंड आई इनपुट 10 2, नो प्रॉब्लम, 23 नो प्रॉब्लम, परफेक्टली ओके। बट द नेक्स्ट सिचुएशन इज 10 डिवाइड बाई 0, सो व्हाट हैपन हियर, यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाई 0, दिस इज इन द प्रोग्रामिंग, यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाई 0, क्योंकि अगर हम मैथमेटिकली देखें तो आउटपुट क्या मिलता है इसका, इफ ए नंबर डिवाइड बाई 0, यू मस्ट नो, ऑल स्टूडेंट मस्ट नो दिस 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 क्वेश्चन, आई रिक्वायर द आंसर एनीवन, कि इफ ए नंबर डिवाइड बाई 0 देन व्हाट हैपन, दैट दैट्स गुड, तनु से नॉट डिफाइंड, दिव्या इनफाइनाइट, दैट दैट्स परफेक्टली, राघव से नॉट डिफाइंड, टीना से इनफाइनाइट, दैट दैट्स गुड, आई रिसीव योर आंसर्स एंड परफेक्ट आंसर्स आर देयर। कि अगर हम किसी भी नंबर को मैथ में डिवाइड करते हैं 0 से, तो उसके लिए एक टर्म है इनफाइनाइट। अब प्रोग्रामिंग में इनफाइनाइट कुछ जैसा है नहीं, तो ये क्या होगा, जैसे मैं इस प्रोग्राम को करूंगा रन, तो बच्चों इसने क्या कह दिया, कह रहा है कि 0 डिवीजर एरर, डिवीजन बाई 0। अब इस बात में सोचिए आप, क्या आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम थी, नहीं, हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा लॉजिक एकदम परफेक्ट था, बट प्रॉब्लम किसने क्रिएट की, एंड यूजर ने। भाई जब डिवाइड है तो 0 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 0 से डिवाइड करना यानी कि इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है, तो आप 0 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, बट यूजर को आप कैसे रोकोगे, आपने तो एप्लीकेशन बना दी। अब ऐसा तो है नहीं कि 1000 लोग आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो आप उन सबको जैसे कोई एरर आएगी आप उनकी सॉल्व करोगे, है ना। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि अगर मैं डिवाइड के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है, डिवाइड के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उस एप्लीकेशन में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस तरह का इनपुट आ सकता है, और उस इनपुट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोग्राम को करना होगा मेंटेन, है ना। अब इसमें देखो एक और चीज, देखो प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ गुड बाय, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम एक और है, गुड बाय, एक्सेप्शन आ गई, कोई बात नहीं, यूजर अपने आप दोबारा कर लेगा, लेकिन देखो बच्चों प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम है केवल इस लाइन में, यानी कि लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या होता है, मैं एक और आपको चीजें बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, मैंने लिखा 10 2, दैट्स ओ देयर मे बी सम इशू, या व्हाट द प्रॉब्लम, प्रिंट एफ, ओ प्रिंट एफ, सॉरी सॉरी मेरे को सी लैंग्वेज याद आ गई, खैर हाँ या तनुष, ओके गॉट इट, प्रिंट एफ नहीं होता, हाँ, ठीक है, ओके दाओ बैक टू द टॉपिक। मैंने लिखा पाइथन लर्न डॉट पीवाई, आई इनपुट 10 एंड 2, तो देखो क्या हुआ, आउटपुट आया, उसके बाद गुड बाय भी आया, है ना। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, एरर तो जनरेट हुई हुई, एरर तो जनरेट हुई, बाकी का मेरा जो रेस्ट ऑफ कोड था वो भी रन नहीं हुआ। अब इसको हम कहते हैं क्या, एब नॉर्मली टर्मिनेशन, क्या कहते हैं हम इसको, एब नॉर्मली टर्मिनेशन, कि भाई एरर तो यहां पर थी ना, तो ठीक है एरर दिखा दो लेकिन बाकी कोड तो रन करो, ऐसा होता नहीं है, कि जहां पर भी एरर आई उसके बाद का भले ही कोड पूरा ठीक है, लेकिन हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है वो बाकी के कोड को भी रन नहीं करेगा, बोलेगा भैया पहले करो इस एरर को सॉल्व। और ये एरर देखो, ये एरर जो है वो रन टाइम पे नहीं आ, ये एरर जो है वो रन टाइम पे आ रही है, कंपाइल टाइम पर नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई लॉजिकल एरर नहीं है, ये तो यूजर अगर गलती कर रहा है तो ये एरर जनरेट हो रही है, और हमारा प्रोग्राम एब नॉर्मली हो रहा है, टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब बंद हो जा रहा है, कि जैसे इस थर्ड लाइन पे एरर आई, देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि लाइन नंबर 3
और ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है लाइन नंबर 3 में, वो उसने पूरा दिया है ठीक है। और क्या एरर है, कह रहा है जीरो डिवीजन एरर, ये पहले से डिफाइंड है बच्चों मैसेज, है ना, इसको मैं आगे समझाऊंगा, पहले से डिफाइंड है कि डिवीजन बाय जीरो। पाइथन ने पहले से ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरर, से टाइप एरर, नेम एरर, डिवीजन बाय जीरो एरर, है ना, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरर्स को पहले से डिफाइन किया हुआ है पाइथन ने अपनी तरफ से। लेकिन बात तो ये है कि एरर तो डिफाइन कर दी, लेकिन हैंडल इसको हमें करना है, और उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक दी एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि भाई अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि चलो ठीक है एक्सेप्शन आ गई तो ठीक है, लेकिन बाद का जो कोड हमारा ठीक था, एग्जैक्टली ओके था, उस कोड को भी हमारा पाइथन का प्रोग्राम या हमारी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी, क्योंकि जैसे एरर मिलती है वो वहीं से हमारा प्रोग्राम हो जाता है टर्मिनेट, जैसे एरर मिलती है वहीं से हमारा प्रोग्राम हो जाता है टर्मिनेट। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि भाई हमारे प्रोग्राम ठीक है, एरर आ गई उसको हमने हैंडल कर रहे हैं, इस एरर को आ गई कोई बात नहीं, यूजर ने एरर दी उसको हम हैंडल कर लें, और रेस्ट ऑफ हमारा कोड जो है, यानी कि इस एरर के बाद नंबर ऑफ कोड्स हमारे भले ही लिखे हुए हैं, सपोज बहुत बड़ा कोड हमारे पास है और हमने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम जो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जा रहा है जहां पर एरर आ रही है वैसा ना हो, हमारा प्रोग्राम रन करता रहे ठीक है। आपको याद होगा बच्चों कि आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें कई बार आई होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग, तो ऑप्शन आता है वेट ओके कैंसिल, या रिपोर्ट रिपोर्ट वेट कैंसिल, है ना, रिपोर्ट वेट कैंसिल। क्या आप वेट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को ऑन होते समय, या आप किसी के साथ ऐसा हुआ है, या और भी किसी एप्लीकेशन के साथ कि स्टॉप्ड दिस एप्लीकेशन स्टॉप्ड वर्किंग, है ना, लेकिन आपका एंड्रॉइड फोन या बाकी एप्लीकेशन रन करती रहती हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपका पूरा मोबाइल ही बंद हो जाता हो, एक एक एप्लीकेशन में एरर आई है ना, वो पूरा मोबाइल ही आपका बंद हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं होता होगा किसी के साथ भी। ओके ठीक है, तो राघव के साथ इशू आया है, बाकी लोगों ने भी शायद इसको ऑब्जर्व किया होगा, तो वहां पर बच्चों होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपने ये वर्ड कई बार देखा भी होगा बच्चों कि एक्सेप्शन इन दिस एरिया, एक्सेप्शन इन दिस एरिया, तो वो जो एक्सेप्शन है वो बेसिकली एक हैंडलिंग सिस्टम है। अब अगर एक्सेप्शन आप हैंडल नहीं करोगे तो रन टाइम पे यूजर की वजह से कोई एरर आई, यूजर के इनपुट की वजह से आपका प्रोग्राम हो जाएगा एबनॉर्मली टर्मिनेट, बाकी की भी चीजें जो बिल्कुल सही थी, जैसे ये मेरा कोड है बाकी रेस्ट ऑफ कोड एकदम परफेक्ट है, ये भी आपका नहीं करेगा रन ठीक है। तो हमें जरूरत है ऐसी सिचुएशन में ऐसे यूजर्स के लिए कि अपने प्रोग्राम को हम फुल प्रूफ बनाएं और इस तरह की एक्सेप्शन से हम बचें ठीक है। तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग ठीक है। दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, ये जो मैंने आपको बताई ये क्या थी, प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्यूशन है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग ठीक है, उसको करेंगे बच्चों हम कल, कल तो व्हाट्सएप क्लास है तो परसों हम इसको डिस्कस करेंगे।